नमस्कार, मैं सारिका राठौड़, आवाज जनता के न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। पिलानी के पास चूरू झुंझुनू बॉर्डर पर बॉर्डर ट्रांजिट कैंप के अंतर्गत झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से चेक पोस्ट संचालित किया है। यहां पर प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ मेडिकल विभाग व आईटी विभाग के कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पिलानी से बाबूलाल घोगलिया की रिपोर्ट। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राम सिंह, अध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय चौहानपुरा, और मेरे को यहाँ सीमा के ऊपर जो कॉटन के जो कागज तैयार करने के लिए यहाँ लगाया गया है, आने जाने वालों की एंट्री के लिए, वो काम हम करते हैं। और डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, अपना काम सही समय पर सही टाइम पर सब यथावत हम कर रहे हैं। जैसा ही ऊपर से निर्देश होता है उसके अनुसार गाड़ियों की आने जाने का जो भी टाइम टेबल है उसका पुलिस की तरफ से जांच करवाई जाती है, जांच करते हैं और हमारे पास भेजते हैं। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में हम उसकी अगली कार्रवाई के लिए भेजते हैं। ये आपकी कितने घंटे ड्यूटी है सर? हमारी 8 घंटे ड्यूटी है, 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक। दूसरी शिफ्ट के अंदर? दूसरी शिफ्ट में आएगा 10 से सुबह तक 8 बजे तक। अच्छा, नाइट 24 घंटे कैंप चलता है? हाँ, 24 घंटे कैंप चलता है। चूरू झुंझुनू बॉर्डर राजगढ़ रोड के ऊपर ट्रांजिट कैंप, ये जिला प्रशासन झुंझुनू द्वारा लगाया गया है, जिसमें अस्थाई चौकी के इंचार्ज हमारे समक्ष अनिल कुमार जी मीणा, सब इंस्पेक्टर पिलानी थाना से जुड़ रहे हैं। सर, ये कितने दिन से यहाँ आपकी अस्थाई चौकी बनाई गई है? ये श्रीमान जिला कलेक्टर साहब झुंझुनू के आदेश से पिछले 1 हफ्ते से ये बॉर्डर ट्रांजिट कैंप लगाया गया है चूरू झुंझुनू बॉर्डर पे, ताकि बाहर से आने वाले श्रमिकों को यहाँ क्वारंटाइन किया जा सके। यहाँ उनके रहने की, खाने की, 14 दिन की पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पुलिस के पूरा पर्याप्त बल मौजूद है। इसके अलावा आर्मी के जो जवान हैं वो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ हैं, पुलिस मित्र भी हैं और आरएसी के जाप्ता भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। कितनी शिफ्ट में ये सभी ड्यूटी दे रहे हैं सर? ये 8-8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्टों में जाप्ता ड्यूटी दे रहा है। और सर, ये आगे कितने दिन तक चल सकता है, कोई इस बारे में आप सुझाव दे सकते हैं? आगे तो फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है।